इस टाइम आपके सामने ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पड़ेगा। जब भी कोई एक्ट आता है, अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस, प्रीएम्बल, सबसे पहले क्या आता है? प्रीएम्बल। उसके बाद फिर एक्ट शुरू होता है, पहला शॉर्ट टाइटल, ये एक्ट कहाँ कहाँ लगेगा, कब एग्जिस्टेंस में, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, मतलब डेफिनेशनल क्लॉज, डेफिनेशन जो यूज होंगी, ठीक है ना। सबसे पहले किसी भी एक्ट में प्रियम्बल आता है। देखो जी, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रियम्बल है। सारे सेक्शंस आ गए, ये सेक्शन शुरू हुआ, ये एक्ट कहाँ कहाँ लगता है, ये पढ़ा था, सब कुछ पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है। बट इससे ऊपर एक चीज आती है जिसका नाम है प्रियम्बल। वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। आप जानते हैं कि पहले हुआ क्या करता था, पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 होता था। अब पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 होता था तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट भी उसी के पार्ट्स होते थे। फिर 1930 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का पोर्शन अलग कर दिया गया, बना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। फिर 1932 में पार्टनरशिप एक्ट का पोर्शन अलग कर दिया गया, बना पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब बचा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अब सोचो ना, बीच में से अगर ऐसा हो जाए कि बीच में से मतलब थोड़ा सा हिस्सा पहले काट के रख दिया, फिर थोड़ा सा हिस्सा पहले काट के रख दिया, बचा कुचा है उसको इकट्ठा तो कर दो, अब बचे कुचे को। तो वही कोशिश की गई, इसलिए भारत की संसद ने, इंडियन पार्लियामेंट ने 1947 में जो बचा कुचा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था उसको कंसोलिडेट किया। तो इसलिए प्रियम्बल लिखा गया, वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट, मतलब जरूरी है, टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टन पार्ट ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अब उन्होंने कहा कि जो बचा खुचा एक्ट है उसको कुछ पोर्शंस को अमेंड करने की जरूरत है, तो इसलिए अब हम आ रहे हैं। तो जैसे भी अब लैंग्वेज लिखी हो ना, इन्होंने ये तो कहा नहीं है कि नया एक्ट ला रहे हैं, इन्होंने कहा है टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टन पार्ट ऑफ द लॉ। डिफाइन एंड अमेंड द सर्टन पार्ट ऑफ लॉ का मतलब जो एग्जिस्टिंग है उसे ही चलाया जाएगा और कुछ पोर्शन को अमेंड किया जाएगा, प्रीएम्बल। ये प्रीएम्बल है, ठीक है, समझ आई बात? बोलो ना। हाँ, वापस आता हूं जरा। फिर आता है हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर। हेडिंग एंड टाइटल ऑफ चैप्टर्स, फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल पढ़िएगा। देखो, कंपनीज एक्ट को 29 चैप्टरों में डिवाइड किया गया है, 29 चैप्टर, XXIX, ये चैप्टर है टोटल कंपनीज एक्ट के अंदर, जिनमें से एक चैप्टर एक्स यानी कि 10 जो है, जिसका नाम है ऑडिट एंड ऑडिटर्स। क्या मैं इस चैप्टर को देखकर ही पता लगा सकता हूं कि इसमें ऑडिट एंड ऑडिटर की बातें होंगी? द आंसर इज ऑब्वियसली यस। ये सेक्शन डील करते हैं 139 टू 148, तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि जो भी सेक्शन 139 टू 148 में होगा वो केवल और केवल ऑडिटर के रिलेशन में होगा? द आंसर इज यस। दस बाय लुकिंग एट द चैप्टर वी मे अंडरस्टैंड द पर्पस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 139 टू सेक्शन 148। ये हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर, समझ आया? एक बार फिर बोल दो। हाँ, तो पढ़िएगा। द हेडिंग एंड टाइटल प्रीफिक्स टू अ सेक्शन और अ ग्रुप ऑफ सेक्शन कैन लेजिटिमली बी रेफर टू फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रूइंग द इनेक्टमेंट और इट्स पार्ट। तो किसी भी एक्ट को समझने में उसके हेडिंग और टाइटल भी हमारी मदद करते हैं, हेडिंग और टाइटल भी हमारी मदद करते हैं। उसके बाद आता है मार्जिनल नोट्स। अच्छा, सबसे पहले तो मार्जिनल नोट्स होते क्या है, पहले तो ये समझना पड़ेगा मार्जिनल नोट्स होते कौन है। चलो जी, पहले मार्जिनल नोट्स सिखाता हूं आपको कि ये क्या होते हैं, दिखाता हूं पहले। तो
चलो जी। आगे बढ़े। ये हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है हमारा, ठीक है। और ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर अब आप देखिएगा ये क्या है, नोटिफिकेशन डेटेड, ये क्या है, ऐसे होता है बुक्स में, होता है ऐसे बुक में, होता है कि नहीं? ऐसा आपने बुक में देखा कई बार? ये पढ़ो जी, ऐसा देखा है कि नहीं? इसे कहते हैं मार्जिनल नोट्स। क्या कहलाता है? मार्जिनल नोट्स कहलाता है, मार्जिनल नोट्स, ठीक है। आइएगा, द मार्जिनल नोट्स अपेंडेड टू द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन हेल्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। यानी कि भारत के संविधान में जो मार्जिनल नोट्स है ना, वो उसी का पार्ट माने जाते हैं। भारत के संविधान में जो मार्जिनल नोट्स हैं, वो उसी का पार्ट माने जाते हैं। बट एंड देयरफॉर हैव बीन मेड यूज ऑफ इन कंस्ट्रूइंग द आर्टिकल। तो वो आर्टिकल को समझने में मदद करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बॉटम पे होते हैं, तो वो किसी भी आर्टिकल को समझने में मदद करते हैं क्योंकि उसका पार्ट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेगा, जनरली हेल्ड व्यू इज डेट द मार्जिनल नोट्स अपेंडेड टू अ सेक्शन कैन नॉट बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेक्शन। यानी कि सेक्शन का पार्ट नहीं होते। अगर सेक्शन के नीचे लिखे हुए सेक्शन का पार्ट नहीं होते। ये व्यू किसने लिया था? अहमद भाई वर्सेस उमेर भाई एंड कंपनी के केस में इट वाज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट दैट मार्जिनल नोट्स इन एनी इंडियन स्टैट्यूट और एनी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी रेफर्ड टू फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रूइंग द स्टैट्यूट। तो यानी कि आर्टिकल में अगर होंगे, अगर भारत के संविधान में होंगे, संविधान के आर्टिकल्स में होंगे, तो आर्टिकल का पार्ट माने जाएंगे। बट संविधान तो फिर अलग चीज है ना। परंतु जब किसी एक्ट के अंदर मार्जिनल नोट्स होंगे तो वो उसका पार्ट नहीं माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का व्यू है अहमद भाई उमेर भाई एंड कंपनी के केस में। यहां तक बताइए जी, कोई भी दिक्कत? चलिए, विशाल कुमार जी, देखो ये क्वेरी प्लीज बिल्कुल मत दो। अगर कोई एग्जाम के बारे में कह रहे हैं तो आप प्लीज उनकी क्लिपिंग सुनो। मुझे नहीं पता कि एग्जाम होंगे कि नहीं, और ना मैं इन चीजों में बिलीव करता हूं होंगे या नहीं, ठीक है। मैं आपकी मानसिकता समझ सकता हूं अगर आपके इस बार एग्जाम है, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या आपके बस में कुछ है? नहीं है। क्या मेरे बस में कुछ है? नहीं है। डिसाइडर कौन है? ICAI। तो लेट देम डिसाइड, और वो आपके हित में ही डिसीजन लेते हैं। वो कभी आपके अगेंस्ट में डिसीजन नहीं लेंगे, वो हमेशा आपका हित देखेंगे। हाँ, बड़ा आसान होता है किसी को गालियां दे देना, बड़ा आसान होता है किसी की बुराइयां कर देना, बट उसकी अच्छाइयां भी देखो, और वो संस्था आपके ही हितों में ध्यान में रख के डिसीजन लेगी, डोंट वरी। ये जो नॉर्मल व्यू है ना कि कुछ सारा गुस्सा अपना फ्रस्ट्रेशन हमेशा किसी और पे निकाल दो, और हम निकालने के लिए ढूंढते हैं, पकड़ते फिरते केवल ICAI को, बात बात पे ICAI बुरा है, ICAI बुरा है। किस बात का बुरा है? क्या कर रहा है वो? वो तुम्हारे हित के लिए ही दिन रात लगा हुआ है, कोशिशें करवा रहा है। जहां अभी 12th वगैरह सबके एग्जाम कैंसिल हो गए, एटलीस्ट दे आर ट्राइंग देयर हार्ड, मतलब दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट आई शुड से, कि एग्जाम हो पाए। क्यों? क्योंकि आप लोगों का भविष्य टिका है। तो इसलिए प्लीज जो वो कर रहे हैं उन्हें करने दो, आप केवल अपने कर्म पे ध्यान दो। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, मतलब अपने कर्म पे ध्यान दो, उसके अलावा फल की चिंता करो ही मत, क्योंकि वो तुम्हारे बस में है ही नहीं। चले हां जी, CIT मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फिर आता है जी डेफिनेशनल सेक्शन या क्लॉजेस। और डेफिनेशनल सेक्शन को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। एक होता है रेस्ट्रिक्टिव एंड एक्सटेंसिव डेफिनेशंस,
रेस्ट्रिक्टिव एंड एक्सटेंसिव डेफिनेशन याद आया, एक होती है इंक्लूसिव जब हम यूज करते हैं वर्ड इंक्लूड्स, और एक होती है एग्जॉस्टिव जब हम यूज करते हैं वर्ड मींस। बोलो ना। हाँ चले, तो मींस व्हेन द वर्ड यूज इज डिफाइंड टू मींस सच एंड सच, द डेफिनेशन इज प्राइमा फेसी रेस्ट्रिक्टिव। रेस्ट्रिक्टिव एंड एग्जॉस्टिव का मतलब जो है बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। चले, एंड एग्जॉस्टिव, वी मस्ट रेस्ट्रिक्ट द मीनिंग ऑफ द वर्ड टू डेट गिवन इन द डेफिनेशनल सेक्शन। बट वेयर द वर्ड इज डिफाइंड टू इंक्लूड सच एंड सच, तो इसका मतलब जो है वो तो है मगर इसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है। जो है वो तो है मगर इसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है। द डेफिनेशन इज प्राइमा फेसी एक्सटेंसिव। हेयर द वर्ड डिफाइंड इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द मीनिंग असाइन टू इट। मतलब वर्ड्स का, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेता हूं। कंपनीज एक्ट में एक जगह लिखा हुआ है कि रेजिडेंट डायरेक्टर मस्ट बी, मैनेजिंग डायरेक्टर मस्ट बी रेजिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर मस्ट बी रेजिडेंट, ये लिखा हुआ है। अच्छा, रेजिडेंट का मतलब लिखता है, कहता है रेजिडेंट इंक्लूड्स वो व्यक्ति जो कि इंडिया के बाहर से इंडिया इंडिया आया और एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए आया, तो वो रेजिडेंट इंक्लूड्स। ये तो कमाल हो गई। तो मतलब रेजिडेंट में वो व्यक्ति आएगा जो इंडिया के बाहर से इंडिया आया और एम्प्लॉयमेंट या फिर बिजनेस पर्पस के लिए आया। मेरे बारे में जरा सोचना, जरा मैं इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया में बड़ा हुआ, एक बार विदेश जाने लगा पासपोर्ट लगवाने के लिए, विदेश जाने लगा तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वापस भेज दिया, पे जाना वापस आ गया, हालांकि मजाक था। बट सोचो, मैं कभी नेपाल बॉर्डर पे नहीं गया, बांग्लादेश को मैंने केवल मानचित्र में देखा है, श्रीलंका मुझे यह नहीं पता कन्याकुमारी के लेफ्ट में पड़ता है या राइट में पड़ता है, तो क्या मैं रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं हूं? भाई क्या मैं रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं हूं? हां, बैंकॉक गया था, वहां से मुझे वापस भगा दिया गया था कि अब क्या करोगे, चलो जाओ तुम्हारी एक्सपायरी डेट हो गई है, चले आगे, हो गया। मैं हूं ना? यस यस। बैंकॉक पता है सिर्फ शिव 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 शिव। आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए क्योंकि वर्ड है इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब और भी बहुत हो सकते हैं, ये तो है ही, इसके अलावा भी बहुत लोग हो सकते हैं रेजिडेंट। ठीक है, चलो जी, अब बस लॉकडाउन खुलते ही रशिया जाना है, वहां पे 3-4 प्रोग्राम्स हैं तो वहां पार्टिसिपेट करना है मुझे। चलो अब यहां पे ध्यान देना थोड़ा। बट एज एक्सटेंसिव मीनिंग विच आल्सो इंक्लूड द मीनिंग असाइन टू इट इन द डेफिनेशनल सेक्शन। एम्बिग्विस डेफिनेशन, ये क्या होता है एम्बिग्विस? एम्बिग्विस डेफिनेशन क्या होती है? ऐसी डेफिनेशन जिसके अनेक अर्थ निकलें, जिसके अनेक, नालायकों पढ़ लो पढ़ लो, लाइव चल रही है, पूरी दुनिया देख रही है, तुम्हें रशिया की पड़ी हुई है, यहां इंडिया संभाल नहीं रहा, पहले यहां संभालो, आईसीआई संभालो पहले, पेपर देगा ना वो तो तबाही मच जाती है, तो इसलिए ध्यान से पढ़ो इसे, नालायक रशिया की ऐसे पड़ी हुई है जैसे पता नहीं ये रशिया रशिया क्या करते रहते, समझ नहीं आता मुझे तो यार कई बार। हाँ, एम्बिग्विस डेफिनेशन का मतलब होता है जिसके अनेक अर्थ निकले हैं। जिसके अनेक अर्थ निकले उसे एम्बिग्विस कहते हैं। मतलब जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल मुझे रशिया जाना है लॉकडाउन खुलते ही, क्योंकि मेरे 3-4 वहां प्रोग्राम है। अब इसकी कई इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। से फॉर एग्जांपल
मैं इस्कॉन का मेंबर हूं, रशिया मॉस्को इस्कॉन के अंदर है, वहां पर एक रंगारंग कार्यक्रम है, तीन चार वहां पर कार्यक्रम है एक हफ्ते के अंदर। दूसरा ये भी हो सकता है कि मुझे इंडियन एम्बेसी रशिया ने बुलाया हो, क्योंकि भारत और रशिया के संबंधों को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, मुझे बुलाया गया है। ये और भी हो सकता है कि शायद मेरा कोई मित्र, कोई रिश्तेदार वहां पर रहता हो और वो चाहता हो कि मैं आऊं, परिवार समेत आऊं, ताकि वहां पर उनके घर पे फंक्शन है तो हम वो फंक्शन को अटेंड करें, ये भी हो सकता है। अच्छा ये भी हो सकता है कि शायद मेरे बच्चों का टेनिस का टूर्नामेंट हो और वह टेनिस का टूर्नामेंट खुलवाने के खेलने के लिए रशिया जा रहा हूं, क्योंकि एक हफ्ते में चार मैच है इनके। कहीं मैंने क्या क्लैरिटी दी तुम्हें? नहीं नहीं मैंने एक स्टेटमेंट दी कि रशिया जाना है, तीन चार प्रोग्राम है। अब ये तीन चार प्रोग्राम किस तरीके के हो सकते हैं ये तुम दिमाग लगा रहे थे, बोलो ना हाँ। तो ये एम्बिग्वस स्टेटमेंट थी, बोलो हाँ, समझ आया? अब पढ़िएगा, एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, रंगारंग कार्यक्रम कैसा होता है जिसमें मैं नाचूंगा बेटा, वो होगा रंगारंग। चलिए आगे। यार हे माँ, माता जी, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ अ सीजनल वर्कर, ध्यान से पढ़ना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कहता है द टर्मिनेशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ अ सीजनल वर्कर आफ्टर द वर्क वॉज ओवर डज नॉट अमाउंट टू रिट्रेंचमेंट। जब सीजनल वर्कर का सीजन खत्म हो जाएगा तो इसे रिट्रेंचमेंट नहीं कहा जाता, क्योंकि सीजनल वर्कर मतलब साल में छह महीने काम कर रहे हैं, छह महीने काम नहीं कर रहे हैं, शुगर इंडस्ट्री, तो जब छह महीने वो काम नहीं कर रहे तो ये नहीं है कि उन्हें हटा दिया गया है, नहीं, वो रिट्रेंचमेंट नहीं होता है। ठीक है चले, तो आगे कहता है लाओ, हाउएवर द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द डेली वेजर हु इज एंगेज इन अ प्रोजेक्ट ऑन द कंप्लीशन ऑफ सच प्रोजेक्ट विद द अमाउंट टू रिट्रेंचमेंट विल अमाउंट टू रिट्रेंचमेंट, क्या लिखा है मैंने यार, विल अमाउंट टू रिट्रेंचमेंट इफ द वर्कर हैड नॉट बीन टोल्ड व्हेन एम्प्लॉयड दैट हिज एम्प्लॉयमेंट अब पढ़ के देखो, पढ़ के देखो जी, पढ़ के देखो जरा। चलिए, कहता नॉर्मली जब हम टर्मिनेशन करते हैं किसी सर्विसेज ऑफ अ सीजनल वर्कर की After the work was over, does not amount to retrenchment, तो इसे retrenchment नहीं कहा जाता। टाइपिंग मेरी टाइपिंग थी, ये गड़बड़ हो गई थोड़ी मेरी टाइपिंग में, क्योंकि पहले मैं लिखवाता था सब चीजें, इस बार मैंने कहा चलो टाइम बचाते हैं ऐसे ही डाल देते हैं यहाँ पर, तो वही हुआ बस। हाँ जी, फिर कहता है हाउ द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेली वेजर हु इज एम्प्लॉयड इन अ प्रोजेक्ट ऑन अ कंप्लीशन ऑफ सच प्रोजेक्ट विल अमाउंट टू रिट्रेंचमेंट, मतलब अगर मान लीजिए कोई डेली वेजर है जो किसी प्रोजेक्ट में लगा हुआ है और जिसकी जो कि खत्म हो रही है, जिसकी जॉब्स खत्म हो रही है, ऑन द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट विल अमाउंट टू रिट्रेंचमेंट, अगर रिट्रेंचमेंट ही कहा जाएगा, इफ द वर्कर हैड नॉट बीन टोल्ड, अगर उसे पहले नहीं बताया गया था दैट इज एम्प्लॉयमेंट विल एंड ऑन द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, कि तेरी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी ऑन द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि आपने उसे पहले नहीं बताया कि तू जब प्रोजेक्ट खत्म होगा तो तेरा टाटा बाय बाय हो जाएगा, और आपने फिर उसे हटा दिया, तो इसे रिट्रेंचमेंट कहते हैं। रिट्रेंचमेंट मतलब निकाल देना किसी को। ठीक है ना, चले, और आगे बढ़ते हैं। Thank you.
फिर आता है इलुस्ट्रेशन। इलुस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? इलुस्ट्रेशन, कई बार आपने देखा है क्या, इलुस्ट्रेशन आते हैं किसी एक्ट के नीचे इलुस्ट्रेशन वगैरह दिए होते हैं, देखा कभी? एग्जांपल्स वगैरह दिए होते हैं, कभी देखा है कि नहीं? दिखाना ही पड़ेगा। हाँ ये आपके सामने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जी, पढ़ो। शॉर्ट टाइटल, डेफिनेशनल, ये लो जी इलुस्ट्रेशन। किस चीज का इलुस्ट्रेशन है? कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। हमें बताया गया था कम्युनिकेशन का अंत कब होता है। अगर ऑफर की बात करूं तो ऑफर कम्युनिकेट तब माना जाएगा जब सामने वाले की नॉलेज में आता है। अगर एक्सेप्टेंस की बात करूं तो एक्सेप्टेंस दो तरीके से हो सकती है, एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द ऑफरर एंड एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द ऑफरी। एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द ऑफरर तब होता है जब ऑफरी जो है अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ड्यूली पोस्ट कर देता है, और एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द ऑफरी तब होता है जब उसका लेटर ऑफ पोस्ट क्या हुआ ऑफरर के नॉलेज में आता है। ये हमारा कानून कहता है, ठीक है। अब इसको प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू देखिए, लॉ मेकर्स ने खुद एक्ट के अंदर समझाया हुआ। ये एक्ट है बियर एक्ट, इलुस्ट्रेशन। क्या मैं कह सकता हूं इस इलुस्ट्रेशन के द्वारा लॉ मेकर्स लॉ को और डिटेल में समझाना चाह रहा है? द आंसर इज यस। तो इलुस्ट्रेशन किसी लॉ को समझने में मदद करते हैं? आंसर इज यस। ठीक हो गई इतनी बात, आइए पढ़ लेते हैं। मेनी सेक्शंस हैव इलुस्ट्रेशन अपेंडेड टू देम। मेनी सेक्शंस हैव इलुस्ट्रेशन अपेंडेड टू देम। दीज इलुस्ट्रेशंस फॉलो द टेक्स्ट ऑफ द सेक्शन एंड देयरफॉर डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सेक्शन। ये सेक्शन का पार्ट नहीं होते, ये केवल उसको एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं, तो सेक्शन का पार्ट नहीं है। कहीं कहो कि इलुस्ट्रेशन ये सेक्शन में आता है, नहीं, ये सेक्शन के एक्स्ट्रा होते हैं। हाउएवर इलुस्ट्रेशन डू फॉर्म पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट, एक्ट का पार्ट है, एंड आर कंसीडर्ड टू बी ऑफ अ रेलेवेंस एंड वैल्यू इन कंस्ट्रूइंग। कंस्ट्रूइंग मतलब समझना, मीनिंग, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द सेक्शन। अंडरस्टैंड the text of the section. However, illustration cannot have the effect of modifying the language of the section and can neither curtail nor expand the ambit of the section. परंतु एक बात ध्यान रख लेना, illustration किसी भी तरीके से section की language, section जो लिखा गया है उसे change नहीं कर सकते, ना उसको कम कर सकते, ना उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। तो एक्ट में क्या यूज किए जाते हैं? इलुस्ट्रेशन। वैसे हम उसे एग्जांपल लिख देते हैं, जनरल सेंस में एग्जांपल लिख देते हैं हम कई बार, बट उन्हें कहा बेयर एक्ट के टर्म्स में क्या कहा जाता है? इलुस्ट्रेशन, ठीक है जी। जयपाल शरण जी,
फिर आता है प्रोविजो। देखो जी, मैंने पहले भी बताया कि मान लीजिए एक सेक्शन है, सेक्शन 56, इसके अंदर जो कंटेंट लिखा है उसे कहते हैं प्रोविजन। क्या कहते हैं? प्रोविजन। बट इस प्रोविजन की कई बार एक्सेप्शन नीचे ही दी जाती है, जिसको शुरुआत होती है प्रोवाइजो से, प्रोवाइजो। तो प्रोवाइजो का मतलब क्या है? एक्सेप्शन टू द अबव प्रोविजन, एक्सेप्शन टू द अबव प्रोविजन इज कॉल्ड प्रोवाइजो। तो जब भी प्रोवाइजो से कोई चीज शुरू हो तो इसका मतलब वो एक्सेप्शन देने वाला है, ठीक है। एज अ जनरल रूल अ प्रोवाइजो इज एडेड टू एन इनेक्टमेंट टू क्वालिफाई और क्रिएट एन एक्सेप्शन टू व्हाट इज इन द इनेक्टमेंट। ऑर्डिनरली अ प्रोवाइजो इज नॉट इंटरप्रेटेड एज स्टेटिंग अ जनरल रूल, यानी कि प्रोवाइजो का मतलब कभी भी जनरल रूल नहीं लिया जाता, ये जनरल रूल की एक्सेप्शन है, ठीक है। आगे, इट इज अ कार्डिनल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन डेट अ प्रोवाइजर टू अ पार्टिकुलर प्रोविजन ऑफ अ स्टेच्यूट ओनली इम्ब्रेसेस द फील्ड विच इज कवर्ड बाय द मेन प्रोविजन। यानी कि कभी भी जब मेन प्रोविजन किसी भी सेक्शन का प्रोवाइजो आता है तो वो केवल उसी सेक्शन के बारे में एक्सेप्शन देता है, यानी कि दस प्रोवाइजो टू अ सेक्शन provides exception to that section only. जी शेखर महादेवन जी, फिर कहता है इट कार्व आउट एन एक्सेप्शन टू द मेन प्रोविजन टू विच इट हैज बीन इनेक्टेड एज अ प्रोवाइजो एंड टू नो अदर। मतलब ये केवल मेन जो प्रोविजन है उसी के बारे में ही बात कर रहा होता है, किसी और के बारे में नहीं। अच्छा, आप चाहें तो एग्जांपल दे सकते हैं कोई भी, यहां पे एग्जांपल मेंशन कर देना। फॉर एग्जांपल मेंशन प्रोवाइजो टू सेक्शन 136 सबसेक्शन 136 सबसेक्शन 1 में बहुत सारी प्रोवाइजो में लिखवाता हूं। सेक्शन 136 सबसेक्शन 1 में बहुत सारी प्रोवाइजो लिखवाई हुई है आपकी कॉपीज, आपके रजिस्टर के अंदर, उनमें से किसी भी एक्सेप्शन को उठा के चिपका देना प्रोवाइजो लिखकर, ठीक है। शॉर्टर नोटिस भी प्रोवाइजो है, एक्सेप्शन है टू द मेन सेक्शन। चले, फिर आता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है? कई बार देखा होगा सेक्शंस के अंदर एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। एन एक्सप्लेनेशन में बी एडेड टू इंक्लूड समथिंग विद इन द सेक्शन और टू एक्सक्लूड समथिंग फ्रॉम इट। एक बार ना सेक्शन को क्लैरिटी देने का, हाँ 101 का प्रोवाइजो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको याद हो वही लिख देना। लिख जरूर देना। एक्सप्लेनेशन में भी एडेड टू इंक्लूड समथिंग विद इन द सेक्शन और टू एक्सक्लूड समथिंग फ्रॉम इट। ओके, an explanation should normally be read as to harmonize with and clear up any ambiguity in the main section. Achha. It should not be so construed so as to widen the ambit of the section. वो कहता किसी section को बढ़ा नहीं रहे, दायरा नहीं बढ़ा रहे, but section में आने वाली किसी चीज को explain करने का काम कर रहे हैं। Say for example, लिखना हो example लिख लेना। Explanation टू सेक्शन 2 क्लॉज 87 प्रोवाइड्स डेट द वर्ड कंपनी एज यूज्ड इन दिस सेक्शन शेल मीन्स बॉडी कॉर्पोरेट।
लो जी क्लैरिटी दे दी इसने मुझे कि सेक्शन 2 क्लॉज 87 में एग्जांपल दिया था पहली स्टैट्यूट की क्लास में याद हो तो कि सेक्शन 2 क्लॉज 87 में जब जब वर्ड कंपनी पढ़ोगे तो कंपनी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट होगा, याद होगा पहली क्लास में एग्जांपल दिया था सब्सिडरी वाला। हाँ प्रोवाइडेड फर्दर भी एक्सेप्शन होती है। जी हो गया तो डन का मैसेज दे दो। फिर आते हैं शेड्यूल्स। शेड्यूल समझने से पहले एक चीज जरा मुझे बताना होता क्या है एम्बिग्विटी, मतलब जिसके अनेक मतलब हो। बड़ी जल्दी जागा है यार स्वतंत्र, थोड़ी देर और रुक जाता बस क्लास खत्म हो जाती। मान लीजिए मेरी कंपनी है जिसका नाम है पोपली मोबाइल्स, मेरी कंपनी चाइना से यूरोप से मोबाइल खरीद के लाती है और पूरे इंडिया में बेचती है। मेरी मेरे जो क्लाइंट है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उनके सारे एम्प्लॉयज के लिए मोबाइल वो मुझी से लेते हैं। टाटा वाले ये सारे अपने मोबाइल मुझी से लेते हैं, ठीक है ना। तो आज मेरे पास मोबाइल आए तो मैं अपने बड़े बड़े क्लाइंट्स को लिखना चाह रहा हूं, हे टाटा मेरे पास मोबाइल आए हैं तो क्या आप अपने ये मोबाइल अपने एम्प्लॉयज के लिए लेना चाहते हैं। डिफरेंट कैटेगरी के मोबाइल्स हैं जिनकी रेंज वगैरह बहुत कुछ, मतलब 30-40 मॉडल थे। क्या आपको लगता है कि अच्छा रहेगा कि मैं उनकी रेंज, उनका मॉडल नंबर, उनका प्राइस सब कुछ इसी लेटर के सामने ही लिख दूं, या फिर एक प्राइस लिस्ट अलग से अटैच कर दूं? कौन सा सही तरीका रहेगा? क्या मैं कह सकता हूं कि अलग से अटैच कर दूं, ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा? ऐसा ही कई बार होता है कि जब किसी पार्टिकुलर सेक्शन पे लॉ मेकर कुछ कहना चाहता है, से फॉर एग्जांपल सेक्शन 129 जब लॉ मेकर ने बनाया तो लॉ मेकर कहना चाहता था कि हम बताना चाहते हैं आपको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होगा। बट अब वो फॉर्मेट भी अगर सेक्शन में डाल देता ना तो गुच्चड़ मुच्चड़ हो जाता, इसलिए लॉ मेकर ने कहा ठहरो रुक जाओ हम बताते हैं, हैंग ऑन। इसके लिए हम एक सेपरेट लिस्ट अटैच कर रहे हैं, डेट लिस्ट इज कॉल्ड शेड्यूल नंबर 3। इसे हम शेड्यूल नंबर 3 कहते हैं कि अब फॉर्मेट क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का, ये वो है जो कि शेड्यूल नंबर 3 में दिया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली डेप्रिसिएशन की एक्सपेक्टेड लाइफ क्या होगी डिफरेंट एसेट्स की, उसके बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके लिए हम सेपरेट शेड्यूल दे रहे हैं, शेड्यूल नंबर 2। सिमिलरली मेमोरेंडम में ही अगर डाल दिया जाए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट क्या होगा तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए अगर मेमोरेंडम के फॉर्मेट को अलग से दिखा दिया जाए शेड्यूल 1 के अनुसार तो ज्यादा आसानी पड़ेगी, तो इसलिए शेड्यूल्स दिए जाते हैं एक्ट के अंदर, ठीक है ना। तो पढ़िएगा, द शेड्यूल फॉर्म पार्ट ऑफ द एक्ट, देयरफॉर दे मस्ट बी रीड टुगेदर विद द एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो मतलब एक्ट के साथ ही पढ़े जाने चाहिए। आगे, हाउ द एक्सप्रेशन इन द शेड्यूल कैन नॉट कंट्रोल और प्रिवेल ओवर द एक्सप्रेशन इन द इनएक्टमेंट। तो ध्यान रखना शेड्यूल एक्ट का पार्ट है, वो एक्ट के बाहर निकल के कुछ नहीं कह सकता, जो एक्ट में लिखा है वही बात कहेगा शेड्यूल, एक्ट से बाहर निकल के कभी कुछ नहीं कहेगा। तो इसलिए द एक्सप्रेशन इन द शेड्यूल कैन नॉट कंट्रोल और प्रिवेल ओवर द एक्सप्रेशन इन द इनएक्टमेंट, ठीक हो गई थी बात। आगे,
इफ देर अपियर टू बी इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द शेड्यूल एंड द इनेक्टमेंट, तो कौन जीतेगा? अगर शेड्यूल और इनेक्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल थ्री कुछ ऐसा कहना चाह रहा है जो इनेक्टमेंट में कवर नहीं है, जो इनेक्टमेंट की भावनाओं के विपरीत है, तो फिर इनेक्टमेंट में लिखी वही बात प्रिवेल करेगी, क्योंकि शेड्यूल इज अ पार्ट ऑफ द एक्ट ओनली, तो एक्ट से बाहर निकल के कुछ नहीं कह सकता वो। चलो फिर अगला पॉइंट कहता है रीड द स्टेट्यूट एज अ होल, मतलब किसी भी कानून को पढ़ना है ना तो पूरी तरह से पढ़ो, अधूरा पढ़ के उस पर डिसीजन मत लो। फॉर एग्जाम्पल इट इज अ बेसिक प्रिंसिपल दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टेट्यूट इज टू बी ऑफ ऑल इट्स पार्ट टेकन टुगेदर एंड नॉट ऑफ द वन पार्ट ओनली। ओके, सभी पार्ट्स को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही पार्ट पढ़ के इंटरप्रिटेशन निकाल लो। एग्जाम्पल पढ़िएगा, इफ सेक्शन ऑन एन एक्ट रिक्वायर्ड नोटिस शैल बी गिवन देन अ वर्बल नोटिस वुड बी सफिशियंट, मतलब अगर एक्ट में कहीं लिखा है कि नोटिस शैल बी गिवन तो वर्बल नोटिस काफी होगा, मेरे को तो देखते ही लग रहा है, परंतु आगे चलकर अगर कहीं ये लिखा मिले, बट इफ अनदर सेक्शन प्रोवाइड दैट नोटिस शुड बी सर्व्ड ऑन अ पर्सन शैल बी सर्व्ड ऑन द पर्सन देन इट वुड ऑब्वियसली इंडिकेट दैट अ रिटन नोटिस वॉज इंटेंडेड, सर्व्ड ऑन द पर्सन देन इट ऑब्वियसली इंडिकेटेड अ रिटन नोटिस वॉज इंटेंडेड। तो सर्विस का मतलब यही है कि रिटर्न नोटिस दिया जाना है, तो इसलिए छोटा सा सेक्शन पढ़कर, वर्बल नोटिस मींस फोन करके बोल दिया, दिस इज कॉल्ड वर्बल नोटिस, बट सर्विस का मतलब है कि रिटर्न नोटिस दिया है, तो वही कह रहा है। कहता है एनी डीड मस्ट बी रेड एज अ होल इन ऑर्डर टू एसर्टेन द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स सेवरल क्लॉजेस and all such clauses shall be so interpreted so as to bring them into harmony with the other provisions. तो मतलब जब भी डीड को भी पढ़ते हो तो सभी क्लॉजेस को पढ़ो और तब जाके पता लगाओ कि हाँ जी ये डीड क्या कहना चाह रही है। Verbal means oral, yes. फिर आता है जी एक्सटर्नल एड टू द इंटरप्रिटेशन, कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो कि इंटरप्रिटेशन में मदद करेंगे, जैसे कि हिस्टोरिकल सेटिंग, एक्सटर्नल एड। इस बार का क्वेश्चन इसी पे था, हिस्टोरिकल सेटिंग का मतलब है पास्ट में क्या होता आया है। हां जी, पास्ट में क्या होता आया है, जरा इस बात को देखना शुरू करो, पास्ट में क्या होता आया है। The history of external circumstances which led to the formation of this act is of much significance while construing an act. ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो इतिहास क्या था, क्या होता आया है, ये गौर करो, उससे पता लगेगा कि इंटरप्रिटेशन क्या चलती आ रही है। Thus, we have to take help from all those external or historical facts which are necessary in the understanding of the subject matter and the scope and object of the act. Thus, we have to take help from all those external or historical facts which are necessary in the understanding of the subject matter and scope and object of the act. मतलब वो सारे historical event जो किसी act में हुए हैं, उन सबको ध्यान में रखकर तब समझा जाना चाहिए किसी भी एक्ट को, किसी भी एक्ट को। आगे कंसोलिडेटिंग द स्टेट्यूट एंड द प्रीवियस लॉस। देखो कई बार जैसे इसमें लिखा हुआ था कंपनीज एक्ट का प्रीएम्बल क्या कहता था, एनेक्टेड टू कंसोलिडेट द प्रीवियस लॉ। इसका मतलब क्या है, प्रीवियस लॉ को उड़ा देंगे या प्रीवियस लॉ को ही कैरी करेंगे? द आंसर इज प्रीवियस लॉ को कैरी करेंगे, जहां जरूरत होगी वहां अमेंड करेंगे। तो इसलिए लिखा था कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉ इन रिलेशन टू कंपनी, यही लिखा था। तो कहता है प्रीएम्बल टू मेनी स्टैट्यूट कंटेन एन एक्सप्रेशन सच एज एन एक्ट टू कंसोलिडेट द प्रीवियस लॉ, इन सच अ केस कोर्ट में स्टिक टू द प्रिजम्पशन दैट इट इज नॉट इंटेंडेड टू ऑल्टर द लॉ, द न्यू एक्ट जस्ट इंटेंडेड टू सॉल्व डाउटफुल पॉइंट्स इन द स्टैट्यूट, केवल कुछ डाउट दूर करने के लिए नया एक्ट आया है बस। यूसेज, यूसेज मतलब पास्ट में क्या मतलब होता है, परंपराएं, मिलता जुलता पॉइंट है, परंपराएं, जैसे हमने किया था कि वो सप्त, वो जो अग्नि के फेरे वाला जो किया था,
जो अग्नि के साथ फेरे वाला किया था ना, बिल्कुल वैसा ही, वही वाला मिलते जुलते पॉइंट है। यूसेज इज ऑल्सो टेकन इन टू कंसिडरेशन इन कंस्ट्यूइंग एन एक्ट। जब भी पूछेगा ना एक्सटर्नल एड, तो एक साथ सारे पूछेगा कि डिफरेंट एक्सटर्नल एड्स कौन कौन सी हैं, आपसे सीधा पूछेगा। हाँ जी, बीड़ी सिगरेट वाला। तो इट इज अ वेल नोन डेट वेयर द लैंग्वेज इन द स्टेच्यूट इज डाउटफुल द यूसेज हेल्प टू डिटरमाइन इट्स ट्रू मीनिंग। मतलब कस्टम्स इन पास्ट विच इट हैज फॉर सेवरल ईयर रिसीव्ड इन इंटरप्रिटेशन। ये कह रहे हैं ये वो फैक्टर है जो पास्ट में घटनाओं से ना हमें आज के इंटरप्रिटेशन बताने में मदद करते हैं, एंड विच हैज जनरली बीन एक्टेड अपॉन बाय द पब्लिक। Thus, court would be very unwilling to change that interpretation. तो court इस interpretation को change करेगा, इसके chances लगभग nil बटा सन्नाटा ही हैं। आगे बढ़ते, इसका example एक दिया हुआ अभी जो problem and solution करेंगे। Earlier and later act and analogs act. ओहो, इसका मतलब कहता जी general principle is that where there are different statute in existence though made at the different times and not referring to each other they shall be taken and construed together as one system and as explanatory of each other. Saving अभी clause आना है ये, इसमें जो problem and solution है वहां पर आएगा saving clause, वो कराना है। पढ़ लो जी। The general principle is that when there are different statute in existence through though made at the different time and not referring to each other, they shall be taken and construed together as one system and as explanatory for each other. For example, अगर कंपनी कभी भी प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है तो प्रोस्पेक्टस इश्यू करते हुए सभी लग जाता है, परंतु जब भी कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है तो आपको याद होगा कि कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 26 भी एग्जिस्टेंस में रहता है। तो सवाल उठा प्रोस्पेक्टस पे कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा या सेबी, तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि दोनों लगा दो? द आंसर इज यस, सेबी प्लस कंपनीज एक्ट 2013 दोनों लगा दो तो बात बन गई। तो वही कह रहा है हार्मोनाइज कर दो, जब एक ही प्रिंसिपल पे दो एक्ट लगे हुए दोनों एक्ट को हार्मोनाइज करने की कोशिश करो। अर्लियर एंड लेटर एक्ट एंड एनालॉग्स एक्ट, ठीक है जी। डिक्शनरी डेफिनेशन, ये इस बार का सवाल था। कहता फर्स्ट वी हैव टू रेफर टू द एक्ट इन अ क्वेश्चन to find out if any particular word or expression is defined in it. तो पहले पूरी तरह से एक्ट पढ़ो और जानो कि क्या कोई पार्टिकुलर वर्ड या एक्सप्रेशन डिफाइन किया गया है। इन केस इफ वी फाइंड दैट वर्ड इज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट इटसेल्फ, वी मे सेंस इन विच द वर्ड इज कॉमनली अंडरस्टूड, फॉर एग्जाम्पल स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन। याद आया? तो मतलब ये देखो कि अगर कोई एक्ट में कोई वर्ड डिफाइन नहीं किया गया, फॉर एग्जांपल स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन पूरे कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं है, तो स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन का मतलब क्या है? जो जनरली लिया जाता है, जनरली क्या लिया जाता है? वो इंस्टीट्यूशन जो कि किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनते हैं वो स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन है। तो कहता है जो उनको जनरल मतलब लिया जाता है वही यहां पर भी लिया जाएगा, और क्या, उसको थोड़े ना अलग ले लेंगे। तो जो मतलब उनको लिखा जाता है, जो मतलब उन्हें दिया जाता है, वही मतलब यहां पर भी लिया जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़े, यूज ऑफ द फॉरन डिसीजंस। हम पढ़ते हैं रॉयल, याद करो रबन वर्सेस ग्रेट फिंजल कंसोलिडेटेड। अच्छा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऐसे ही हम पढ़ेंगे या पढ़ते हैं रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वेंडो। याद आया? हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। ये क्या है? ये फॉरेन डिसीजन है। ये फॉरेन डिसीजन जो है वो हमारे ऊपर भी लगते हैं। हाँ, हमारे ऊपर भी लग सकते हैं। अच्छा, ऐसा कैसे? ये तो इंग्लैंड के केस लॉ है। क्या मैं कह सकता हूं इंग्लैंड का जो कंपनीज एक्ट है कहीं ना कहीं हमारे कंपनीज एक्ट से मेल खाता है? द आंसर इज यस। इनफैक्ट हमारा कंपनीज एक्ट इंग्लैंड के कंपनीज एक्ट की देन है, हमने तो उन्हीं लोगों से कॉपी मारा है। तो फिर तो इसलिए इंग्लैंड का लॉ हमारे देश के लॉ से मिलता जुलता है? आंसर इज यस। तो क्या इंग्लैंड में दिए जाने वाले डिसीजन क्या हम अपने देश में अप्लाई कर सकते हैं? आंसर इज यस। तो इसलिए द फॉरेन डिसीजन ऑफ द कंट्रीज फॉलोइंग द सेम सिस्टम ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस। ज्यूरिसप्रूडेंस मतलब जो कि ज्यूरिसडिक्शन है, कानून का वही स्ट्रक्चर है जैसे हमारा है। एज आर ओन एक्ट However, the prime importance is always given to language given in Indian statute. महत्वता दूंगा मगर फिर भी foreign decision है, उन्हें use कर सकता।
हाँ, जिस कंपनी का एक्ट आपसे आपके एक्ट से मिलता जुलता नहीं है, उस कंपनी से, उस देश के कानून को आप यूज नहीं कर सकते, उस देश के डिसीजंस को आप यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मेरे देश में अब अमेरिका के डिसीजन को यूज नहीं किया जाता क्योंकि उनका कंपनी से बिल्कुल अलग है, तो इसलिए उनको अपन लोग यूज नहीं करते हैं। समझ आएगा? अब आइएगा जरा प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन पर। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, ज्यूरिस प्रूडेंस का मतलब है ज्यूरिसडिक्शन, सिस्टम ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। शिवांश, ये क्लास यहीं रहेगी, आराम से दोबारा घुमा के वहीं आ जाना वापस। चलो, क्वेश्चन नंबर वन, डिफरेंशिएट मैंडेटरी प्रोविजन फ्रॉम द डायरेक्टरी प्रोविजन। व्हाट फैक्टर डिसाइड वेदर अ प्रोविजन इज डायरेक्टरी और मैंडेटरी? डायरेक्टरी कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? मे। मैंडेटरी कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? शल। इसको ना आगे चल के डिफाइन किया हुआ है, और ये अभी लेटेस्ट एमटीबी का क्वेश्चन था ना, तो मैंने जैसे आपकी लैंग्वेज कॉपी में लिखवाई है या बुक में लिखवाई है ना, बिल्कुल उसी लैंग्वेज के अनुसार इसका अब आंसर दिया मैंने। ये क्वेश्चन नंबर 19, रेफर क्वेश्चन नंबर 19, तो इसे लिख देना, रेफर क्वेश्चन नंबर 19, रेफर क्वेश्चन नंबर 19, जो इस बार लेटेस्ट एमटीपी आई है ना, उसका क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके आपकी जो लैंग्वेज लिखवाई है कॉपीज वगैरह में या जो बुक वगैरह में, उसी के हिसाब से उसका आंसर दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर टू कहता है डिफाइन ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। क्लियर है? चिपकाओगे? द स्टेट्यूट शुड बी रीड एज अ होल, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। अभी पढ़ा हमने। क्वेश्चन नंबर 19 नहीं है बुक में, तो बुक से बाहर निकल ले बेटा, ये अभी एमटीपी आई है, नालायको कुछ अकल खुद भी लगा लिया करो। पीडीएफ दी है, पीडीएफ दिया है, एमटीपी में क्वेश्चन अब आए हैं तो अभी डालूंगा ना, अप्रैल में अगर वो आएगी तो अभी अप्रैल में ही डलेगी ना, या अप्रैल हर महीने बुक नहीं देता रहूं, ये ऊपर का माला यूज होता है या आराम से सुला रखा है इसे? ये है ना लीडर मोहित बंसल, नालायक। हाँ जी, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोवाइजो, एक्सप्लेन कर दोगे? फिर गिवन द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोवाइजो, एक्सेप्शन एंड सेविंग क्लॉज, ये अभी आगे आएगा, रेफर क्वेश्चन नंबर 20, रेफर क्वेश्चन नंबर 20 इसके लिए। व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट? चिपका दोगे? तेरे लिए अलग बुक बनवाऊंगा मोहित, वापस भेज दे उसे, नालायक। हाउ विल यू इंटरप्रिटेट द डेफिनेशन इन द स्टैट्यूट इफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड इन द स्टैट्यूट? मींस, इंक्लूड्स, गिव द इलुस्ट्रेशन फॉर ईच ऑफ द अबव। लिख लोगे? वो इंडियन एविडेंस एक्ट में डॉक्यूमेंट्स और द जनरल क्लॉज एक्ट में डॉक्यूमेंट लिख लोगे? बोलो ना। हाँ, चले, क्वेश्चन नंबर 7, मेनी अ टाइम अ प्रोवाइजो इज एडेड टू अ सेक्शन ऑफ इनेक्टमेंट, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सच अ प्रोवाइजो वेल वाइल कैरिंग आउट द इंटरप्रिटेशन। ठीक है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ यूसेज डेवलप्ड बाय कंटेम्प्रेरी ओपिनियन थ्रू प्रैक्टिस अंडर एनी स्टैट्यूट विद एन एग्जाम्पल। बिल्कुल चिपका देना है जो बुक में लिखा हुआ है,
ऑप्टिमा लीगम इंटरप्रेसेट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कंटेम्परेरी एक्सपोजिशा ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लेगे, एग्जाम्पल भी चिपका देना, वो जो हमने एग्जाम्पल दिया ना वही का वही चिपकाना। देर इज अ प्रोहिबिशन ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्म्स एम्यूनिशन गन पाउडर और एनी अदर गुड्स। हाउ वुड यू इंटरप्रिटेट एनी अदर गुड्स अप्लाइंग द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेच्यूट? जी, रूल ऑफ एजस्टम जैनेरियस, मोहित बस तूने और कुछ बोला नहीं, अब तू ब्लॉक होने वाला है यहां। अच्छा एक और चीज है यहां पर, ये देख लेना, ये अच्छी चीज है यहां, ये मार्क कर लेना। आल्सो स्टेट व्हेन दिस पार्टिकुलर रूल विल नॉट बी एप्लीकेबल साइटिंग एन एग्जांपल। ये नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल ऑफ एजस्टम जेनेरियस, ये पढ़ लेना जी, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है जी, कई बार ऐसा होता है कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी और ई, तो ये चारों अलग अलग दिशाओं में चल रहे होते हैं, अलग अलग दिशाओं में चल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कहता है इंडिया कॉमा, एक कहता है मार्स, एक कहता है जुपिटर कॉमा, एक कहता है पाकिस्तान, और ई का मतलब पता ही नहीं। भाई साहब सब अलग दिशाओं में चल रहे हैं, सब अलग दिशाओं में, पता ही नहीं लग रहा, तब क्या करो? कहता है ऐसे में ही रूल नहीं लगेगा एजस्टम जेनेरियस, तो फिर क्या लगेगा? फिर तो कहता है जो ये जो और का मतलब जो और है तो वही और से ही मतलब समझो। जैसे कि सेक्शन 271 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कहता है Empower the tribunal to order winding up of the company on just and equitable ground. But ये जो just and equitable ground है ना, इससे पहले पांच ground और दिए हुए हैं। अगर कंपनी देश की एकता व अखंडता के लिए खतरा बन जाएगी, अगर कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देगी, अगर कंपनी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा, अगर आरओसी को लगेगा कि कंपनी का वाइंडिंग अप कर देना चाहिए, क्या चारों में आपस में कोई संबंध है? नहीं, इंडिपेंडेंट मीनिंग हो रहा है। तो अब और जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड का बिल्कुल अलग मतलब रहेगा। सेक्शन 271 ऑफ द कंपनीज एक्ट एम्पावर द ट्राइब्यूनल टू ऑर्डर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी ऑन जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, हाउएवर सच ग्राउंड इज हेल्ड टू बी नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय द फर्स्ट फोर स्पेसिफिक सिचुएशन इन विच द ट्राइब्यूनल मे वाइंड अप अ कंपनी। वो कहता वो चारों से संबंधित नहीं है, क्योंकि वो चारों अपने आप में बिल्कुल अलग है। तो क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग है, तो ये इसलिए पांचवा उन चारों से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। The general principle of adjustum generis applies only when the specific words are of same nature. Nature same नहीं है तो वो नहीं लगेंगे. That if they are of the different categories, then the meaning of the general words following those specific words remain unaffected. अच्छा, in other words, those general word will not take their color from the specific word used earlier. अगर याद हो general clause act की यही language थी कि वो जो specific word थे gun, comma, एम्यूनेशन और एनी अदर, वो एनी अदर था, ये जनरल वर्ड था, तो जनरल वर्ड स्पेशल से अपना मतलब लेता था, मगर स्पेशल वर्ड अगर अलग अलग हैं तो जनरल उनसे मतलब नहीं लेगा, जनरल अपना मतलब खुद निकालेगा। यहां तक डन का मैसेज दीजिएगा। एग्जाम्पल और कोई भी लिख सकते हैं, ये लिखोगे तो प्रोफेशनल लगेगा, बाकी और लिखोगे तो मुझे नहीं पता क्या लिखोगे। और चले फिर कहता है देर आर सेवरल प्रोविजन अंडर द कंपनीज एक्ट विच स्टार्ट विद द वर्ड नॉट वेल स्टैंडिंग एंड विदाउट प्रेजुडाइस। इसके लिए भी लिख देना रेफर क्वेश्चन नंबर 20।
क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 मैंने कल रात को ही बनाया, क्वेश्चन नंबर 20, और कल रात को ही बनाया इनफैक्ट, तब जाके मैंने असाइनमेंट अपलोड किया है। क्वेश्चन नंबर 20, तो वहां ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर प्रीएम्बल डज नॉट ओवरराइड द प्लेन प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कमेंट आल्सो गिव सुइटेबल एग्जांपल। तो प्रीएम्बल का एग्जांपल लिख सकते हो, प्रीएम्बल के बारे में चिपका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हो सीधे क्वेश्चन है, हाउ विल यू अंडरस्टैंड वेदर अ प्रोविजन इज मैंडेटरी और डायरेक्टरी, रेफर क्वेश्चन नंबर 19। ये भी कल रात को ही बनाया है, 19 का भी आंसर भी। हमारी पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 15 के आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो उस पीडीएफ को उठा के ना लोड़ी आएगी ना उस पर जला देना नालायक। कल रात को पीडीएफ अपलोड किया, देख तो लिया करो कम से कम। यार ये क्या लोग हैं, इनको पीडीएफ ही नहीं खुल रही, देखने को ही कष्ट आ रहा है। क्या कमाल है यार। इफ इट इज डिफाइंड एज, मेरे को ना घर का एड्रेस दे दे बेटा, मैं चिट्ठी पहुंचा दिया करूंगा कि मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ अपलोड किया तो चिट्ठी भेज दिया करूंगा। हाँ जी, इफ इट इज डिफाइंड एज कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 और एनी अदर कंपनी लॉ एंड पर्सन इंक्लूड्स। देख रहे हो मीन्स और इंक्लूड्स के ऊपर अटैक कर रहा है। हाउ डू यू इंटरप्रिटेड और कंस्ट्रक्ट द नेचर एंड स्कोप ऑफ द अबव डेफिनेशन। तो पहले वाली क्या है एग्जॉस्टिव, दूसरी वाली इंक्लूसिव, लिख लोगे। चिपका गया ना, चिपका गए। एक्सप्लेन हाउ डिक्शनरी डेफिनेशन कैन बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प इन इंटरप्रिटेटिंग एन एक्ट व्हेन द स्टैट्यूट इज एम्बिग्विस। डिक्शनरी डेफिनेशन अभी पढ़ा, लो जी ये 2021 का क्वेश्चन है, पढ़ के बताना क्या है। कहता है सोहेल, अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी नॉट बीइंग पर्सनली कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड फाइनेंशियली और अदरवाइज, देख रहे हो वर्ड आया फाइनेंशियली और अदरवाइज, इन अ मैटर ऑफ द प्रपोज्ड मोशन प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड मीटिंग डिड नॉट डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट ऑल्दो ही हैज नॉलेज दैट हिज सिस्टर इज इंटरेस्टेड इन दैट प्रपोजल। सिस्टर इंटरेस्टेड है, he restrained from making any disclosure of his interest on the presumption that he is not required by the law to disclose any interest as he is not personally interested or concerned in the proposal. He made his presumption relying on the rule of the little construction, explaining the scope of interpretation under this rule in the given situation. Decide whether the decision of Sohail is correct. क्या कहेंगे, सोहेल का decision सही है या गलत है कि वो interested नहीं है, क्योंकि उसकी बस बहन के साथ contract हो रहा है तो he is not interested. क्योंकि वहां पे तो पेक्यूनरी मतलब होता है, फाइनेंशियली है तो पेक्यूनरी है, अदरवाइज वर्ड मैंने बताया था सेक्शन 102 में जब वो वर्ड यूज होता है तो उसका मतलब रिलेशनशिप इंटरेस्ट भी होता है। कुछ याद है 102 में जब आया था, तो पहले पूरा लिटिल कंस्ट्रक्शन लिखोगे, मेंशन अबाउट द रूल ऑफ लिटिल कंस्ट्रक्शन पूरा लिखा, उसके बाद इन द गिवन सिचुएशन सोहेल डिड नॉट डिस्क्लोज, ये पहला पॉइंट होगा, ये दूसरा पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट होगा। एज ही इज नॉट पर्सनली इंटरेस्टेड और कंसर्न्ड इन द प्रपोजल दस ही ऑट टू हैव कंसीडर्ड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द प्रोविजन ऑफ लॉ। ब्रॉडर मतलब समझना था, ठीक है। एंड देयरफॉर इवन दो ही वाज पर्सनली नॉट इंटरेस्टेड और कंसर्न्ड इन द प्रपोजल ही शुड हैव डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट। डिस्क्लोजर होना चाहिए था क्योंकि रिलेशनशिप इंटरेस्ट तो बैठता है ना। लो जी अगला क्वेश्चन, एक्सटर्नल एड टू इंटरप्रिटेशन, पहली बार आई है इसकी डेफिनेशन। हाउ डज द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ द एक्सटर्नल एड टू द इंटरप्रिटेशन। अब मैं पढ़वा रहा हूं इसे एक्सटर्नल एड को। एक्सटर्नल एड अभी वैसे तो पढ़वाया कि और डिफरेंट फैक्टर जो कि कानून में नहीं है पर फिर भी कानून को पढ़ने में मदद करते हैं, हिस्टोरिकल सेटिंग, यूसेज, फॉरन जजमेंट, ये सब कुछ। तो एक्सटर्नल एड द फैक्टर डेट हेल्प इन इंटरप्रिटेटिंग और कंस्ट्रूइंग एन एक्ट एंड हैव बीन गिवन द कन्वीनियंट नॉमिनक्लेचर
ऑफ एक्सटर्नल लेड टू इंटरप्रिटेशन। नॉमिनक्लेचर मतलब नामकरण। अपार्ट फ्रॉम द स्टैच्यूट इटसेल्फ देयर आर मेनी मैटर विच मे बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन द स्टैच्यूट इज एम्बिग्वस। दीज मैटर आर कॉल्ड एक्सटर्नल एड्स। ये एक्सटर्नल एड की डेफिनेशन है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे, मैंने कहा था अभी आएगा, तो ये लिख लेना। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपने करने हैं वो मार्क करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन करने हैं आपने। फिर डिक्शनरी डेफिनेशन, डिक्शनरी डेफिनेशन शुरू हो गई यहां पर। लो जी, यही हमने किया था डिक्शनरी डेफिनेशन। फर्स्ट वी हैव टू रीड द एक्ट इन क्वेश्चन टू फाइंड आउट इट्स पर्टिकुलर वर्ड और एक्सप्रेशन इज डिफाइंड इन इट। अगर वो नहीं मिलता तो उसका वो जो जनरल मीनिंग है वो ले लिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल स्टेच्यूटरी कॉरपोरेशन। यही किया अभी हमने, ठीक है। चलिए फिर कहते हैं, हाउएवर इन सिलेक्टिंग वन आउट ऑफ द सेवरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड, ये डिक्शनरी डेफिनेशन के आगे देख लीजिएगा, वी मस्ट ऑलवेज टेक इन टू कंसिडरेशन द कंटेक्स्ट इन विच इट इज यूज इन द एक्ट। अगर किसी वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स हैं डिफरेंट जगहों पर और उस एक्ट में डिफाइंड नहीं है, तो फिर थोड़ा ध्यान लेना कि ये किस कंटेक्स्ट में यूज किया जा रहा है इसे। इट इज द फंडामेंटल रूल दैट मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड इन एन एक्ट मस्ट टेक देयर कलर फ्रॉम द कंटेक्स्ट इन विच दे अपीयर। फॉर द ज्यूडिशियल डिसीजन लेइंग डाउन द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन कंस्ट्रूइंग द स्टैट्यूट इन पेरी मेटीरिया विल हैव ग्रेटर वेट देन द मीनिंग फर्निश्ड बाय द डिक्शनरीज। ओहो, कहता किसी भी एक्ट को समझने में अगर मान लीजिए किसी पार्टिकुलर डेफिनेशन के ऊपर अगर कोई जजमेंट आया हुआ है, कोई डिसीजन ऑफ द कोर्ट आ गया है, तो अगर कोई डिसीजन ऑफ द कोर्ट आ गया है तो वो जो वर्ड का इंटरप्रिटेशन देगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, रादर देन आप उस वर्ड का मतलब केवल डिक्शनरी के अंदर देखें। आप उसका मतलब केवल डिक्शनरी में देखें, उससे अच्छा जो दिया हुआ है मतलब जो एक्ट में डिफाइन किया गया है उसको मतलब ज्यादा समझना जरूरी है। हाउएवर फॉर पड़ेगा, हाउएवर फॉर टेक्निकल टर्म रेफरेंस में बी मेड टू द टेक्निकल डिक्शनरीज। मतलब वैसे आप डिक्शनरी का मतलब उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, बट अदरवाइज जो जजमेंट दिया है, जो कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उसको इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए। फिर आप देखिएगा एमटीपी के क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन नंबर 17 एमटीपी का क्वेश्चन है। कहता है जी, एसोसिएट वर्ड्स टू बी अंडरस्टूड इन कॉमन सेंस मैनर। अच्छा, एयर कंडीशन बताया था ना। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ठीक है, नॉस्किटर सोसेस लिखोगे। डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। ओहो, ये जरा पढ़ लेना, ये जरा समझ लेना एक बार। ये अभी तक किया नहीं हमने, कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन में क्या फर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कुछ बच्चों की क्वेरी आई हुई थी, पैरामेटीरिया बता दो, पारी मेटीरिया। चलो लिख लो पारी मेटीरिया का मतलब। गुम है किसी के राह में, वेन टू प्रोविजन ऑफ टू डिफरेंट स्टैट्यूट डील्स विद
सेम सब्जेक्ट मैटर एंड फॉर्म पार्ट ऑफ सेम सब्जेक्ट मैटर. तो ये लैटिन वर्ड यूज होता है. जीसीए का असाइनमेंट भेज दो. खैर कोई दिक्कत नहीं मिथिलेश, अब तो असाइनमेंट अभी तो नहीं भेज सकता, अब क्लास शुरू हो गई, मेरे दूसरे रूम तक जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने वैसे भी उसमें चार्ट्स बनवाने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है. कौन से आंसर में लिखे, ये पेरी मेटीरियल लग रहा है, इसके नीचे लाल डंडी, डंडी को डाले यूं तीर और लिख दे बस, और गया. तो किसी भी स्टैट्यूट में डिक्शनरी मीनिंग से ऊपर भी लिया जाता है वो क्या, जो उसके ज्यूडिशियल डिसीजंस है, उस ज्यूडिशियल डिसीजंस को ज्यादा ऊपर लिया जाता है एज कंपेयर टू द वो जो है जो उसका डिक्शनरी मीनिंग होता है. चले तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया था. फिर ऐसे एसोसिएटेड वर्ड हो गया था, डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन. हाँ इस वर्ड पे थे ना, जब मैंने कहा था कि आप कब आए. बेटा वैसे 40 साल और 7 महीने हो गए हैं, दिन की कैलकुलेशन मैंने नहीं की, मगर आ गया था मैं पर. चले डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन. जी अगर तो वर्ड इंटरप्रिटेशन लिखना हो तो चिपका के आना, फुर्सत के पल है, चिपका के आना जो इंटरप्रिटेशन की डेफिनेशन लिखी थी हमने, पूरी पूरी यूं फुर्सत के पलों में चिपका आना. ठीक है, अब रहा कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन का मतलब दोनों वैसे तो देखो, वाइल मोर ऑफन दीज टू टर्म्स आर यूज इंटरचेंजेबली टू डिनोट अ प्रोसेस अडॉप्टेड बाय द कोर्ट टू एसर्टेन द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेटर फ्रॉम द वर्ड्स विद विच इट इज एक्सप्रेस्ड, दीज टू टर्म्स हैव अ डिफरेंट कॉनोटेशंस. अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना कि वैसे तो वो कहता है लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है वैसे तो ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, एक्चुअल में दोनों सेम टर्म्स यूज भी की जाती है, बिल्कुल सेम यूज की जाती है और कोई डिफरेंस दोनों में नहीं होता, बट फिर भी अगर माइनर सा देखना चाहो तो हाँ डिफरेंस हो सकता है, कोई माइनर सा बहुत माइनर सा अगर डिफरेंस देखना चाहो तो हो सकता है. वो क्या हो सकता है वो ये देखना शुरू कर रहे हैं. एक मिनट बस, मैं एक पानी की बॉटल अपनी उठा लूं, बस एक मिनट. चले हमने सुना आप 70 के हो, तूने मेरे चेहरे पे झुर्रियां देख ली है नालायक. तो कहता है जब वाइल मोर ऑफन दीज टू टर्म्स मतलब कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है टू डिनोट अ प्रोसेस अडॉप्टेड बाय द कोर्ट टू एसर्टेन द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेटर, ताकि कानून का मतलब निकाला जा सके फ्रॉम द वर्ड विद विच इट इज एक्सप्रेस्ड. दीज टू टर्म्स हैव डिफरेंट कॉनोटेशन, वैसे उनका अर्थ अलग अलग हो सकता है, मतलब उनका अलग अलग हो सकता है. इंटरप्रिटेशन का मतलब लिखा, अच्छा कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है. कंस्ट्रक्शन देखिएगा, कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन इज अप्लाइड टू अ रिटन स्टैट्यूट और डॉक्यूमेंट मींस टू डिटरमाइन फ्रॉम इट्स नोन एलिमेंट इट्स ट्रू मीनिंग और इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर्स. कभी आपने देखा इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर्स, जब मैं कहता हूं डॉक्यूमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड या फिर प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक, तो इसका मतलब ये दोनों लिखने के पीछे इंटेंशन क्या रही होगी, वो इंटेंशन तक जाना, वो इंटेंशन तक जाना
इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम, ठीक है। दोनों इंटरचेंजेबल है, दोनों इंटरचेंजेबल है ये। आगे, कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व ड्रॉइंग कंक्लूजन बियॉन्ड द एक्चुअल एक्सप्रेशन यूज इन द टेक्स्ट, जो वहां पर शब्द यूज हुए हैं उनसे भी बियॉन्ड चले जाना और उसका अर्थ ढूंढना। एग्जीक्यूटेड का मतलब ग्रामेटिकल मीनिंग है गोली मार देना, बट क्या डॉक्यूमेंट को गोलियां मार दोगे तुम? नहीं, ठीक है ना, नहीं। फिर दिस इज डन बाय रेफरिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ द इनेक्टमेंट। तो जब आप उसका अर्थ निकालते हो, मींस बियॉन्ड द ग्रामेटिकल मीनिंग जाते हो, तो कैसे करते हो? अदर पार्ट्स ऑफ द इनेक्टमेंट को पढ़ के एंड इन कंटेक्स्ट इन विच द लॉ वॉज मेड, किस संदर्भ में लॉ बनाया गया, इन सब चीजों को देखकर कंस्ट्रक्शन करते हो। दस वेन यू कंस्ट्रू अ स्टैट्यूट यू आर अटेम्प्टिंग टू असर्टेन द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेटर। तो कंस्ट्रक्शन के पीछे, कंस्ट्रक्शन मतलब, कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है वैसे? बनाना। तो मतलब आप उसकी इंटेंशन बना रहे हो कि उसकी इंटेंशन ये रही होगी, उसकी इंटेंशन ये रही होगी। तो डिफरेंस कुछ नहीं बताना सचिन, कंस्ट्रक्शन को डिफाइन किया और इंटरप्रिटेशन को डिफाइन किया, बस वो डिफरेंस अपने आप देखता रहेगा, दिमाग नहीं लगाना। आगे बढ़े, दोनों वैसे इंटरचेंजेबल है। कोर्ट की नजर में देखोगे तो दोनों में कोई शब्द फर्क नहीं है। वो कहते हैं इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, तो दोनों सेम शब्द हैं। चलिए फिर डिफरेंशिएट मैंडेटरी प्रोविजन फ्रॉम द डायरेक्टरी प्रोविजन। ये क्वेश्चन 2-3 बार आया मगर मैंने हर बार कहा कि यहां पे आके देखेंगे, तो अब आके देखता हूं क्योंकि इसका लेटेस्ट आंसर मैंने परसों ही कोट किया था, जो अब आपको पेपर में करना है, जो जैसा इस बार मैंने आपको लिखवाया है उसके हिसाब से। तो मैंडेटरी और डायरेक्टरी प्रोविजन में क्या फर्क होता है देखते हैं। कहता है डिस्टिंक्शन बिटवीन अ प्रोविजन विच इज मैंडेटरी एंड वन विच इज डायरेक्टरी इज डेट व्हेन इट इज मैंडेटरी, तो इसका मतलब पालन होना ही होना चाहिए, इट मस्ट बी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड। व्हेन इट इज डायरेक्टरी इट वुड बी सफिशिएंट दैट इट इज सब्सटेंशियली कंप्लाइड विद। तो मैंडेटरी का मतलब होना ही होना है और डायरेक्टरी का मतलब अच्छा रहेगा कि अगर आप पालन कर दें। अब मे, वर्ड मे के बारे में लिखा, सब लिखा हुआ है, ये आपकी बुक्स वगैरह में शेल वगैरह के बारे में लिखा। अब ये जो पैरा है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये पैरा जरूर 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 कोट करना है, क्योंकि ये पेपर में आप देख रहे होंगे 4 या 5 बार इस क्वेश्चन का रेपिटेशन हो चुका है। तो अच्छा क्वेश्चन है मैंडेटरी और डायरेक्टरी प्रोविजन के ऊपर। तो कहता है यहां से शुरू करना, इफ अ प्रोविजन गिव्स अ पावर कपल्ड विद अ ड्यूटी, यानी कि अगर मैं कहता हूं पावर मिली हुई है प्लस ड्यूटी है, तो ध्यान रखना चाहे वर्ड यूज किया हो मे, बट फिर भी उसे शेल गिना जाता है, शेल गिना जाता है। यानी कि एक जैसे सेंटेंस था सेक्शन 408 ऑफ द कंपनी एक्ट 1956 में एक सेंटेंस हुआ करता था कि कोर्ट जो है डायरेक्शन देगा सीजी को और सीजी में। अब जब कोर्ट की डायरेक्शन है तो सीजी में होना चाहिए, शेल लिखा है में, बट क्या मैं कह सकता हूं सीजी तुम्हारी उस टाइम ड्यूटी बन जाती है? द आंसर इज यस। तो जहां पर भी पावर भी अपॉइंट करने की प्लस ड्यूटी भी है साथ में, तो अब वो शेल पड़ा जाएगा। ठीक है, इट इज मैंडेटरी वेदर इट इज और इज नॉट सो वुड डिपेंड ऑन सच कंसिडरेशन एज। कहता है कि अब यह मैंडेटरी है या नहीं है, वेदर इट इज और इट इज नॉट वुड डिपेंड अपॉन द सम फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर डिपेंड करेगा, देखना शुरू करते हैं। लिखेगा पहला फैक्टर द नेचर ऑफ थिंग एम्पावर्ड टू बी डन, क्या किया जाना है, द ऑब्जेक्ट फॉर विच इट इज डन एंड द पर्सन फॉर हूज बेनिफिट द पावर टू बी एक्सरसाइज। कहता है इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। इफ अ प्रोविजन गिव्स अ पावर कपल्ड विद ड्यूटी, ये मैंडेटरी होता है, वेदर इट इज और इज नॉट मैंडेटरी है या नहीं वुड डिपेंड अपॉन द कंसिडरेशन सच एज क्या किया जाना है, किस लिए किया जाना है, किसके लिए किया जाना है, क्या, क्यों, किसके लिए, ये 3 पॉइंट है, क्या, क्यों और किसके लिए। द
मे को शल में पढ़ने की बजाय मे को शल में अमेंड क्यों नहीं कर सकते? क्या जरूरत है? जब इंटरप्रिटेशन हम मे को वैसे ही शल ले रहे हैं तो जरूरी है चेंज करने की? चेंज करना आसान होता है, पार्लियामेंट के पास जाना पड़ता है और ये पार्लियामेंट मे और शल को बदलने का काम करेगा। जब ज्यूडिशरी अपने आप इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर्स निकाल लेती है तो अगर सब कुछ ही लॉ में दे दिया ही जाए, एक एक शब्द, फॉर एग्जाम्पल स्पीक का मतलब भी अगर लॉ में ही दे दिया जाता तो फिर कोर्ट्स की जजमेंट ही क्या है? फिर तो सारे पढ़ के अपने आप ही बता देंगे देखिए इसमें ये लिखा है। चले, में कब नहीं होगा? वानी बड़ी सीधी सी बात है, जब उसके साथ मतलब नॉर्मली जब मे शब्द यूज किया जाता है तो मे शब्द का अर्थ क्या होगा? कि डायरेक्टरी प्रोविजन है, बट साथ में पावर्स आ गई प्लस ड्यूटी आ गई तो वो शेल बन जाएगा। अब वो शेल होगा या नहीं होगा ये इन तीन फैक्टरों के ऊपर डिपेंड करेगा, बड़ी सीधी सी बात है, अदरवाइज तो मे को तो मे ही पढ़ा जाएगा ना। चले, एक्सप्लेन अलोंग विद एग्जाम्पल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स नॉट विद स्टैंडिंग सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। भाई जिनके पास भी बुक थी ना, ये लास्ट के तीन चार क्वेश्चनों का प्रिंट ले लेना या लिख लेना। चले, लास्ट के तीन चार क्वेश्चनों का प्रिंट ले लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी रिसेंट एमटीपी के द्वारा और दो ये लास्ट के दो क्वेश्चन मैंने परसों रात को ही बना के डाले हैं, तो इसलिए जैसे क्वेश्चन नंबर 20 अब बनाया है। एक्सप्लेन अलोंग विद एग्जाम्पल मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉट विद स्टैंडिंग सेव एज अदरवाइज और विदाउट प्रेजुडाइज। ये तीन शब्द हैं जिनका मतलब अब हमें समझना है। नॉट विद स्टैंडिंग, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड और विदाउट प्रेजुडाइज टू द अदर प्रोविजन। तीनों का मतलब क्या है? चलिए सबसे पहले समझते हैं सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू, ओहो ये सब्जेक्ट टू भी समझना था यार। यहां पे सेव एज अदरवाइज करना था वैसे मुझे, गड़बड़ कर दी मैंने बनाने में। चलो मतलब सेम ही जाएगा, सुनो सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे लिखिएगा सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। लो जी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इसका मतलब क्या है? मैं लॉ में लिखे गए बाकी सारे प्रोविजंस को उड़ा रहा हूं या उन्हें सम्मान दे रहा हूं? बताओ जी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, मैं उड़ा रहा हूं या सम्मान दे रहा हूं? बताओ जी, सम्मान दे रहा। शब्द यूज हुआ सब्जेक्ट टू, जिसका मतलब है कि सम्मान देते हुए, इस एक्ट के कहीं और किसी और प्रोविजन को सम्मान देते हुए। अब आगे क्या लिखा है कॉमा के बाद देखिएगा, नो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शैल एक्वायर होल्ड ओन प्रोसेस ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टीज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। इंडिया में रहने वाला कोई भी व्यक्ति है, विदेशों में ना तो फॉरेन एक्सचेंज में डील करेगा ना फॉरेन सिक्योरिटी, मतलब ना उनके शेयर्स परचेज करेगा, ना उनके शेयर्स डिबेंचर्स परचेज करेगा, ना इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर डील करेगा। कौन? इंडिया में रहने वाला कोई व्यक्ति। इसका मतलब है कि मैं विदेशों में शेयर्स खरीद ही नहीं सकता, इसका मतलब तो यही जा रहा है। कॉमा के बाद वाला सेंटेंस पढ़ू तो इसका मतलब तो यही जा रहा है, बट अगर कॉमा से पहले पढ़ू, कॉमा से पहले पढ़ू तो क्या पता लगता है? कॉमा से पहले क्या पता लगता है? कॉमा से पहले पता लगता है सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू का मतलब है कि ध्यान से सुनना कि वो कहता है कि देखो जी, अगर पूरे कानून के अंतर्गत अगर कुछ और लिखा है तो उसे अप्लाई कर देना।
सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट में लिखा कहीं और कुछ लिखा हुआ है तो उसे अप्लाई कर देना, और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो फिर ये अप्लाई कर देना। अब फेमा में ही आगे चलकर लिखा है कि कोई भी व्यक्ति विदेशों में इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, कोई भी व्यक्ति फॉरेन एक्सचेंज $2,000 तक की कभी भी किसी भी वक्त अपने पास रख सकता है। तो अल्टीमेटली अगर मुझसे, और फॉरेन सिक्योरिटी अपनी नेटवर्थ के 4 गुना तक परचेज कर सकता है, तो अगर कोई मुझसे ये पूछे कि भैया इस सेक्शन को देखकर क्या ये पता लग रहा है, द आंसर इज यस, क्योंकि इसमें लिखा है सब्जेक्ट टू, यानी कि अब क्लैशिंग भी हो गया। एक तरफ यह सेक्शन कहता है कि कोई भी व्यक्ति फॉरेन एक्सचेंज नहीं रखेगा अपने पास, दूसरी तरफ इसी एक्ट में आगे लिखा है कि आप $2,000 तक रख सकते हो और अनलिमिटेड कॉइन्स आप अपने पास रख सकते हो। अब मेरा सवाल आपसे ये है, जिसका जवाब आप सोच समझ के दीजिएगा, क्या एक तरफ कहता है कि नहीं रख सकते, दूसरी तरफ कहता है रख सकते हैं, तो जीतेगा कौन, रखने वाला या ना रखने वाला ये प्रोविजन? रखने वाला, समझ आ गया? चले, द इंपैक्ट ऑफ द वर्ड्स आर सब्जेक्ट टू व्हेन यूज्ड इन द प्रोविजन इज डेट कि व्हेन द सेम सब्जेक्ट मैटर इज कवर्ड बाय डेट प्रोविजन एंड बाय अनदर प्रोविजन और इनएक्टमेंट सब्जेक्ट टू विच इट ऑपरेट। कई बार आप सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट कहते हो, या सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, या सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेबी भी कह सकते हो, ठीक है? एंड देर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन दैम, तो अगर कन्फ्लिक्ट हुआ देन द लेटर विल प्रिवेल, तो वो जो लेटर जो बाद में दिया हुआ है ना उस एक्ट में, वो प्रिवेल कर जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि ये उसे सम्मान दे रहा है, ये उसके आगे झुक गया है। यहां तक मुझे डन का मैसेज दे दो। तो ये था सब्जेक्ट टू। बताओ जी कोई भी दिक्कत, सब्जेक्ट टू क्लियर है? चलिए आशीष बेटा, मेरे को ना व्हाट्सअप कर देना, घर का एड्रेस व्हाट्सअप कर देना बेटा, मैं ना घर पे एक चिट्ठी भेज दूंगा। आदरणीय आशीष शर्मा जी, क्लास में तो आपका ध्यान रहता नहीं है, हैं तो आप ढक्कन ही, तो इसलिए आपको मैं पर्सनल चिट्ठी भेज रहा हूं कि हर चैप्टर के अंदर आजकल मैं ये एडिशन नए नए कर रहा हूं और आप इन्हें नोट करते जाए, क्योंकि क्लास में तो 3 बार बोल दिया, तुम्हारा ध्यान है ही नहीं, तुम्हारा ध्यान क्वेरी लिखने में है, ठीक है ना बेटा? तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बिल्कुल वेला हूं, मुझे घर वालों ने बिल्कुल निकाल रखा है घर से। मैं इसके बाद क्या करता हूं, पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ जाऊंगा, वहीं बैठा रहूंगा, लैपटॉप लेके चलाता रहूंगा, ठीक है ना? बिल्कुल वेला हूं मैं। और तो भाई तू तो बता दो मुझे, ठीक है बेटा? नालायक, कल से अभी तक 5 बार बोल चुका हूं कि ये 3 क्वेश्चन एमटीपी के हैं, अभी ऐड किए हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। फिर वही, कौन सा नया एडिशन, कहे तो मत्थे पे चेपी चिपका लूं, ताकि आराम से जब भी देख रहा हूं पोपली के मत्थे की तरफ देख और पता लग जाएगा। जॉली एलएलबी का डायलॉग याद आ रहा है, कहां से आते हैं, कैसे कर पाते हैं? तो ये सब्जेक्ट टू था। यार आगे है, नॉट विद द स्टैंडिंग, पीपल के पेड़ पे भूत होते हैं भाई साहब, जो इस क्लास में 4-5 जाबाज हैं उनसे टकरा जाए, वो भूतों को तो प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा वो। इस क्लास में 4-5 भूत नहीं, उनसे भी ऊपर के प्राणी हैं, उनसे जो टकरा जाए तो भूत तो क्या है, मोहब्बत हो जाएगी उनसे तो, कि ओ ये तो अपनी बिरादरी का लग रहा है। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है?
नॉट विथस्टैंडिंग, जैसे एज पर सेक्शन 147 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, चले लाइट आ गई भाई, जान में जान आ गई, नहीं तो भाई साहब ओए ओए गर्मी में पसीना निकल रहे थे चारों तरफ से। चले एज पर 147 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन द कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, कॉमा एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शेल बी कंपाउंडेबल। आहा ओहो, नॉट विद द स्टैंडिंग का मतलब क्या? नॉट विद द स्टैंडिंग का मतलब क्या? कि ऐसी तैसी कराओ या सम्मान दे दो, बताओ जी, ऐसी तैसी कराओ या सम्मान दे दो। बोलो बोलो, ऐसी की तैसी कराओ नॉट विथस्टैंडिंग, तो यानी कि ऐसी की तैसी कराए पूरा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। हम तो कहते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अगर ऑफेंस हुआ तो वो कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल का मतलब क्या होता है? कंपाउंडेबल का मतलब से फॉर एग्जांपल, हम जानते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अगर चेक बाउंस हुआ तो 2 गुना तक की पेनल्टी होती है। से फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैंने 5 लाख रुपए का चेक आपको दिया और बाउंस होगा तो मेरे ऊपर 5 लाख का चेक की तो लायबिलिटी है ही है, साथ में 2 गुना मतलब 10 लाख रुपए की लायबिलिटी भी मेरे ऊपर आ गई है, तो 5 + 10 = 15 लाख रुपए की लायबिलिटी मेरे ऊपर हो गई। अब ये 10 लाख रुपए की जो पेनल्टी लगी ना, मैक्सिमम पेनल्टी है ये, जो 10 लाख रुपए की पेनल्टी है ये मेरे ऊपर मैक्सिमम पेनल्टी लगी, मतलब 10 लाख रुपए तक मुझे पे करना है। ठीक हो गई इतनी बात। अब अगली बात, मैं कहता हूं 10 लाख रुपए तक, वो 2 लाख भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी 6 भी 7 भी 8 भी 9 भी 10 भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब सवाल उठा ये कौन डिसाइड करेगा? ये अथॉरिटी डिसाइड करेगी। अच्छा, अथॉरिटी के पास कैसे, मैं कितनी बार जाना पड़ेगा? कह नहीं सकते, क्यों? क्योंकि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इंसाफ नहीं मिलता, मिलती है तो सिर्फ तारीख। तो इसलिए कितनी क्लासें कैंसिल हो जाएंगी, इंटर का सिलेबस डिलेड हो जाएगा, क्या इससे अच्छा ये नहीं होगा? क्या इससे अच्छा ये नहीं होगा कि मैं अथॉरिटी को एक बार कहूं कि देख भाई तूने मजे तो मेरे लेने ही हैं, पेनल्टी तो मुझ पे लगानी है, तो लगा एक बार, अमाउंट बताते लगा, खत्म करना, क्यों मजे ले रहा है बार बार बुला के, तू एक ही बार बोल कितनी पेनल्टी। अब वो कहे एक ही बार, अच्छा वन टाइम सेटलमेंट, इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग इज नथिंग बट अ वन टाइम सेटलमेंट, वन टाइम सेटलमेंट। और भाई पूरा लिखना है ना, वरना ये वन टाइम पासवर्ड बन जाएगा बाद में, तो पूरा लिखना, वन टाइम सेटलमेंट। हाँ, तो मैंने ओटीपी क्यों लिखा, ओटीएस क्यों नहीं लिखा? यार ये बात सोचने वाली है, बड़ी गंभीर, इसका मतलब मेरा दिमाग कहीं और चल रहा था उस टाइम। ओहो ये कैसे हो गया। अच्छा अगला पॉइंट है विदाउट प्रिजुडाइस, विदाउट प्रिज, अच्छा इसको पढ़ा तो है नहीं। ओहो क्या हो रहा है पोपले। A clause that begins with the word notwithstanding anything contained is called non-obstant clause. इसे यूं भी पूछा जा सकता है, वो पूछेगा कि non-obstant clause के बारे में बताइए। समझ आया?
तो अनलाइक द सब्जेक्ट टू क्लॉज द नॉट विद द स्टैंडिंग क्लॉज हैज द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द प्रोविजन प्रिवेल द अदर्स। ये कहता है हम जीतेंगे और हारेंगे, सब्जेक्ट टू कहता है हम तो वैसे ही छोटे आदमी हैं, जो भी आएगा आगे वो बड़ा आदमी होगा। ये कहता है हम ही बड़े हैं, बाकी सब छोटे हैं। When this term is used, then the clause will prevail over the other provisions mentioned therein. Negotiable की क्लास कब होगी? कसम से मेरे सामने बैठा होता ना, इसको मैं बताता नेगोशिएबल क्या है नालायक को। 5 साल से नेगोशिएबल किए जा रहा है, खत्म ही नहीं कर रहा। वह कितना नेगोशिएबल पड़ेगा? हर बैच में मेरे ये बैठा होता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। कई बार मैं सोचता हूं कि मेरे दहेज में आया था। तो ये नॉट विद स्टैंडिंग। अगला है विदाउट प्रेजुडाइस। विदाउट प्रेजुडाइस, अब इसका मतलब क्या होता है विदाउट प्रेजुडाइस? चले लिया नहीं था सूर्यांश, मगर फिर भी ये घुसाया था नालायक। हां जी, एक कह रहा है दहेज में ह्यूमन बीइंग नहीं जाते, ये ऐसे वाले जाते हैं, ऐसे वाले जाते हैं। अभी नेगोशिएबल करके हटाए, फिर पूछ रहा है नेगोशिएबल कब होगा, ऐसे वाले जाते हैं, फिर ऐसे वाले चले जाते हैं। ये क्वालिफाई कर जाते हैं, वो क्राइटेरिया ना जो होता है ना पूरा, वो हो जाता है। चल भाई मैं नहीं देखता इसमें अपने को, चलो यहां पे पढ़ो। विदाउट प्रिजुडाइज पढ़िएगा, एज पर सेक्शन 147 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अच्छा A drawer of a dishonored check shall be deemed to have committed an offence and shall, without prejudice to any other provision of the Negotiable Instrument Act. ये 138 है, गलती से 147 लिखा, 138। A drawer of a dishonored check shall be, 138 के शब्द याद है, deemed to have committed an offence and shall, without prejudice to any other provision of Negotiable Instrument. अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? ऐसी तैसी कराएं बाकी प्रोविजन, अगर बाकी आ जाएं तो उन्हें सम्मान दो, या उन्हें भी रखो हमें भी रखो, दोनों को रखो। उन्हें भी रखो हमें भी रखो दोनों को रखो। बोलो बोलो, दोनों को रखो, दोनों बोलते नहीं ना, एक तो तुम हां नहीं बोलो, बोलो हां, दोनों को रखो, यानी कि उसको भी रखो उसको, ऐसे रखते ना, उसको भी रखो मुझे भी रखो। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या था? उसे हटाओ मुझे रखो। सब्जेक्ट टू का मतलब कोई और मिल जाए मुझे छोड़ दो। तो सब्जेक्ट टू मतलब
कोई और मिल जाए तो मुझे छोड़ दो। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब उसे हटाओ मुझे रखो। एंड विदाउट प्रिजुडाइज मतलब उसे भी रखो मुझे भी रखो। पेपर में ऐसे लिख दें, हाँ ठीक है जी। When certain provisions, particular provisions follow general provisions, and when it is stated that the particular provisions are without prejudice to those general provision, the particular provision would not restrict the operation and generality of the preceding general provision. यानी कि ये पार्टिकुलर प्रोविजन है जो इस सेक्शन के लिए बना हुआ है, जो कहता है कि अगर 138 में अगर गड़बड़ की तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी बाउंसिंग की, बट ये तो स्पेसिफिक प्रोविजन है। इसके अलावा जनरल प्रोविजन और कहते हैं कि अगर कुछ भी नेगोशिएबल में गड़बड़ हुई तो पेनल्टी लगेगी। तो वो कहता है वो जो जनरल प्रोविजन है उन्हें भी स्थान दो, स्पेशल प्रोविजन को भी स्थान दो। व्हेन सर्टेन पार्टिकुलर प्रोविजन फॉलो जनरल प्रोविजन एंड व्हेन इट इज स्टेटेड दैट पार्टिकुलर प्रोविजन आर विदाउट प्रिजुडाइस टू दोज जनरल प्रोविजन, तो इसका मतलब ये पार्टिकुलर प्रोविजन भी लगेंगे और वो जनरल प्रोविजन भी लगेंगे। द पार्टिकुलर प्रोविजन वुड नॉट रेस्ट्रिक्ट द ऑपरेशन एंड जनरलिटी ऑफ द प्रिसीडिंग जनरल प्रोविजन, वो भी लगते रहेंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड द पार्टिकुलर प्रोविजन शैल ऑपरेट इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ द जनरल प्रोविजन, यानी कि जनरल प्रोविजन भी लगेंगे और पार्टिकुलर प्रोविजन भी लगेंगे। चलो जी फिर कहता है टेक्निकल वर्ड्स आर टू बी अंडरस्टूड इन द टेक्निकल सेंस, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द एप्लीकेबल रूल। ओहो ये बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट है, तो इसमें रूल कौन सा लगना है? लिटिल कंस्ट्रक्शन, हर वर्ड को जो लॉ में लिखा गया है उसके ट्रू सेंस में पढ़ो। तो अगर ये स्टेटमेंट कह दे कि एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, तो इसका मतलब लिटिल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है। तो यहां पर आपका पूरा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट होता है खत्म। धन्यवाद।